एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो आर्ट एंड कल्चर का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर है निहाल चंद को। किशनगढ़ शासक के दरबारी थे निहाल चंद। नेक्स्ट देखें, किस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? किस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी का जो चित्र है इसको कहा जाता है भारतीय मोनालिसा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो यह चित्र निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। मैंने आपको बताया कि निहाल चंद जो कि किशनगढ़ के शासक के दरबारी थे। बनी ठनी के चित्र में किसे राधा कृष्ण के रूप में दर्शाया गया? तो हमें पता है कि सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी थी बनी ठनी, तो इन्हीं को जो है राधा कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है बनी ठनी के चित्र में। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ का क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, तो उनका नाम था पन्ना धाय। मेवाड़ शासक महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने और कब की थी? मेवाड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने और कब की थी? तो मेवाड़ के सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में उदय सिंह के जो पिता थे महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की थी। पन्ना धाय द्वारा बनवीर से प्राण रक्षा करने हेतु अपने किस पुत्र को युवराज उदय सिंह की जगह लिटा दिया गया था? तो हमें पता है, ये रिपीट है क्वेश्चन, पहले भी हम कर चुके हैं। तो उन्होंने जो है अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो बागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जिले आते हैं। तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गवरीबाई को कहा जाता है। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बागड़ की मीरा किसे कहेंगे? गवरीबाई को। गवरीबाई के लिए किसने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण जो है वो गवरीबाई के लिए करवाया डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा 1829 में। भले ही सन आप याद ना रखें, लेकिन ये याद रखना है कि बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर में किसने करवाया? महारावल शिव सिंह ने करवाया गवरीबाई के लिए। प्रसिद्ध दुर्गादास राठौर किस शासक के मंत्री थे? दुर्गादास राठौर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। प्रसिद्ध दुर्गादास राठौर के पिता का क्या नाम था? तो दुर्गादास राठौर जो है इनके पिता का नाम था आस्करण। प्रसिद्ध दुर्गादास राठौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। गांव का नाम भी याद रखिए, सालवा गांव, 13 अगस्त 1638। वीर दुर्गादास राठौर ने किसकी रक्षा हेतु राठौर सिसोदिया संघ बनाकर औरंगजेब से संघर्ष किया? तो अभी जो कंप्यूटर का जो आपका एग्जाम हुआ था, जिसने दिया होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था इसी तरीके से, कि वीर दुर्गादास राठौर ने किसकी रक्षा हेतु राठौर सिसोदिया संघ बनाकर औरंगजेब से संघर्ष किया? तो जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा हेतु। दुर्गादास राठौर ने किस मुगल वंशी को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी? दुर्गादास राठौर ने किस मुगल वंशी को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी? तो उन्होंने शहजादा अकबर की जो है उनको औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो सहायता प्रदान की। दुर्गादास राठौर ने किसको इस्लामोचित शिक्षा देकर अपना मित्र धर्म बनाया? तो उन्होंने बुलंद और सफीउद्दीनशाह, शहजादा अकबर के पुत्र और पुत्री थे ये, तो इनको जो है इस्लाम उचित शिक्षा देकर जो है अपना मित्र धर्म बनाया। वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु उज्जैन में हुई 22 नवंबर 1718 में। ठीक है, जन्म सालवा गांव मारवाड़ में हुआ था। दुर्गादास राठौर की वीरता और स्वामी भक्ति के लिए मारवाड़ में कौन सी उक्ति प्रचलित है? मायण ऐसा पूत जड़ जैसा दुर्गादास, तो ये जो उक्ति है वो प्रचलित है मारवाड़ में दुर्गादास राठौर की वीरता और स्वामी भक्ति के लिए। नेक्स्ट देखें, अकबर के समकालीन दुर्सा आड़ा ने अपनी रचनाओं में किसका यशोगान प्रमुखतः किया है? अकबर के समकालीन कौन है? दुर्सा आड़ा।
इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका यशोगान प्रमुखतः किया है, तो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की देश प्रेम भावना का किया है। अकबर के समकालिक दुर्सा आड़ा की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, तो विरुद्ध छत्री, किरतार बावनी, बीरम देव सोलंकीरा दुआ। विरुद्ध छतरी किसकी है? दुर्सा आड़ा की है। किरतार बावनी किसकी रचना है? दुर्सा आड़ा की है। वीरम देव सोलंकी रा दुहा किसकी रचना है? दुर्सा आड़ा की। ठीक है, तो इनमें से एक जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। बीकानेर के प्रसिद्ध दयाल दास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इनका जो है जन्म बीकानेर के गाँव कुड़िया में 1798 ईस्वी में हुआ। बीकानेर रे राठौड़ा रिख्यात के रचनाकार कौन थे? तो वह थे दयाल दास। ठीक है, दयाल दास जो है रचनाकार हैं किसके? बीकानेर रे राठौड़ा री खयात। दयाल दास री खयात में किसका विवरण है? तो इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से सरदार सिंह के राज्य रोहण तक का इतिहास है। राठौड़ों के बारे में जो है पूरा इसमें लिखा हुआ है दयाल दास री खयात में। प्रसिद्ध कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी थे? तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हमने जो है पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है वो कर लिया है, क्लास जो 6 है वहाँ से लेकर हम धीरे धीरे हमने सारे चैप्टर जो हैं वो रीड किए, उसके बाद हमने सभी क्वेश्चन आंसर किए, और अब ये आपका लास्ट चैप्टर है, और यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वह भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आपके जो है ये यही चैप्टर जो है वो काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3rd ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर बिल्कुल 90 मार्क्स और 80 मार्क्स जो हैं आपके इन्हीं बुक्स में से हैं। प्रसिद्ध कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के ये दरबारी थे। किस प्रसिद्ध रचना में कवि श्यामल दास ने मेवाड़ राज्य का इतिहास का वर्णन किया? तो श्यामल दास ने वीर विनोद में किसका वर्णन किया है? मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया है। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध कवि श्यामल दास को क्या उपाधि दी गई थी? तो ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध कवि श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखें श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी। महाराणा मेवाड़ द्वारा प्रसिद्ध कवि श्यामल दास को क्या उपाधि दी गई थी? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध कवि श्यामल दास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो भीलवाड़ा के धोकलिया गांव में 1836 ईस्वी को हुआ था। भीलवाड़ा के धोकलिया गांव में 1836 ईस्वी को श्यामल दास का जन्म हुआ था। राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जन्म रोहिड़ा सिरोही में 1863 ईस्वी में हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा प्राचीन लिपि संबंधी किस ग्रंथ की रचना की थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा प्राचीन लिपि संबंधी किस ग्रंथ की रचना इन्होंने की? तो इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला इस ग्रंथ की रचना की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनको अंग्रेजों ने महा महोपाध्याय और राय बहादुर इस उपाधि से सम्मानित किया। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य बीरवल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में हुआ था। गंगानगर के राय सिंह नगर में जन्मे बीरवल सिंह आजीवन किसके लिए प्रयासरत रहे थे? तो गंगानगर के राय सिंह नगर में जन्मे जो बीरवल सिंह थे, कहाँ जन्म हुआ था इनका? गंगानगर में। ठीक है, तो आजीवन जो है ये सामंती अत्याचारों के विरुद्ध और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे थे। प्रसिद्ध लोक कथाकार विजय दाम देथा, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो देखिए इनके जो हैं आप लोग रचनाएं जरूर याद करना, क्योंकि रचनाओं से संबंधित जो है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में विजय दाम देथा का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध विजय दाम देथा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको बिज्जी नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजय में बिज आ रहा है और इनका जो है उपनाम बिज्जी, ऐसे भी आप ध्यान में रखें। विजयदान देथा की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो कृतियाँ जो हैं वो तो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बातारी फुलवारी ये लोक कथा है, 1960 की बापू के तीन हत्यारे आलोचना है 1948, चौधराइन की चतुराई ये लघु कहानी है, संग्रह 1996 का, दुविधा और अलेखू हिटलर। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था विजयदान देथा की कृतियाँ जो हैं याद रखें, बातारी फुलवारी, बापू के तीन हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेखू हिटलर। विजयदान देथा की लोक कथा पर निर्मित फिल्म कौन सी है?
तो वह दुविधा फिल्म है, मणिकोल द्वारा निर्मित ये फिल्म है, पहेली फिल्म है अमोल पालेकर द्वारा निर्मित, विजय दानदेता की लोक कथा पर आधारित दुविधा और पहेली है। प्रसिद्ध कथाकार विजय दानदेता को किन प्रसिद्ध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो उन्हें पद्मश्री जो 2007 में मिला, राजस्थान रत्न 2012 में, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में और बिहारी पुरस्कार 2002 में। तो याद रखें, विजय दानदेता जो हैं इनको पद्मश्री, राजस्थान रत्न, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित तो किया गया था। धरती धोरारी लोकप्रिय गीत के रचयिता कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। कन्हैया लाल सेठिया जो है धरती धोरारी जो गीत है उनके रचयिता हैं, रचयिता थे। पाथल और पीथल लोकप्रिय गीत के रचयिता कौन थे? तो वह भी थे कन्हैया लाल सेठिया। प्रसिद्ध गीतकार कन्हैया लाल सेठिया का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1919 में सुजानगढ़ और चुरू में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चुरू में। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत किस प्रसिद्ध मांड गायिका द्वारा गाया गया है? तो ये जो प्रसिद्ध गीत है वो अल्लाह जुलाई बाई के द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो ये मांड गायिका है। ये क्वेश्चन आपके अभी आया था प्रयोगशाला सहायक में या कंप्यूटर निदेशक के पेपर में अभी आया था। तो देखिए, सारे क्वेश्चन जो भी अभी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हैं, आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। इसका मतलब जो है ये सभी चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आप लोगों ने सभी याद किए हैं। ये जो लास्ट चैप्टर है इसको भी आप बहुत अच्छे से जो है याद करके जाइएगा। केवल 2-3 बार वीडियो आप पढ़ेंगे तो वही आपको जो है याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर आप पहले से ही पढ़े हैं। अल्लाह जिलाई बाई को मांड गायिका के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म श्री द्वारा सम्मानित किया गया था 1982 में। प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मांड गायिका हैं, इनका जन्म बीकानेर में 1 फरवरी 1902 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ की हैं अल्लाह जिलाई बाई? बीकानेर की। अल्लाह जिलाई बाई को बीबीसी लंदन द्वारा किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इनको रॉबर्ट अल्बर्ट हॉल में कोर्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा गया था। याद रखना है, कोर्ट सिंगर अवार्ड जो है किस मांड गायिका को मिला? अल्लाह जिलाई बाई को। प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ये मांड गायिका है गवरी देवी, इनका जन्म जो है जोधपुर में हुआ 1920 में। गवरी देवी ने भारत महोत्सव में मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया था। यह भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मास्को में आयोजित किया गया था। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? राजस्थान के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर पीरू सिंह थे। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर पीरू सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह हुआ था रामपुरा बैरी झुंझुनू में 20 मई 1918 ईस्वी में। मेजर पीरू सिंह सेना के किस बटालियन में भर्ती हुए थे? मेजर पीरू सिंह सेना के किस बटालियन में भर्ती हुए थे? तो ये 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत किस कार्य हेतु परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो पीरू सिंह इनको जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रु अधिकृत पहाड़ी पर अंतिम सांस तक युद्ध कर फतेह करने के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है शैतान सिंह को। ठीक है, शहीद मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जन्म 1 सितंबर 1924 में जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के वाणासुर गांव में हुआ था। मेजर शैतान सिंह को शहीद 18 सितंबर 1962 किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेजर शैतान सिंह को शहीद होने के बाद किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र से। मेजर शैतान सिंह कहाँ और क्यों शहीद हुए थे? तो देखिए, 17 सितंबर 1962 में चीन द्वारा लद्दाख स्थित चोसूल चौकी की रक्षा करते हुए मेजर शैतान सिंह जो हैं शहीद हुए थे। तो आज हम यहीं तक करेंगे और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और हैं आपके और ये चैप्टर जो है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।